पीएम किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन नूह जिले के हजारों किसान अज्ञानता अनपढ़ के कारण इस योजना का लाभ उठाने से वंचित है। आंकड़ों के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जिले के 47,000 किसान लाभ उठा रहे, लेकिन अभी तक तकरीबन 25,000 से अधिक किसान ऐसे हैं जो दस्तावेज की खामियां की वजह से इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इस बीच बड़ी वजह जागरूकता की कमी और अज्ञानता अनपढ़ निकल कर सामने आ रही है। वहीं कृषि विभाग के क्वालिटी कंट्रोल अधिकारी डॉक्टर अजय तोमर ने पत्रकार से बातचीत के दौरान बताया कि केवाईसी नहीं करवाने की वजह से अधिकतर किसान इस योजना का लाभ लेने से वंचित है। वहीं उन्होंने बताया कि नेशनल बैंक और डाकघर में खाता नहीं होने के चलते केंद्र सरकार के एनपीआईसी का लाभ किसान नहीं ले पा रहे हैं। मैं किसान सम्मान निधि योजना के बारे में आपको कासिम भाई में बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है ना किसानों को करीबन कोई 47,000 किसानों को ये किस्त मिल चुकी है। अब इसमें जो किसान रह गए हैं उन्होंने किसी किसान ने ना बार बार उन्हों कहने के उपरांत भी हमने न्यूज़पेपर में भी डाला है, आपके माध्यम से भी हम लोगों को सूचित करते रहते हैं, आगाह करते रहते हैं इसके बारे में, वो केवाईसी वगैरह ये नहीं करवाते। एक जो किसान भाइयों से हम आग्रह करते हैं कि आप जो है नेशनलाइज बैंक में अकाउंट खुलवाओ, क्योंकि जो ये हमारे यहाँ के लोकल बैंक हैं जैसे सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो एनपीसीआई से लिंक नहीं है बैंक में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्हीं बैंकों में पैसा डाल रही है जो एनपीसीआई से लिंक है। तो हम किसानों से आग्रह करते हैं कि आप इंडिया पोस्ट बैंक में खाता खुलवा लीजिए या कोई नेशनल बैंक है जैसे उनमें खाता खुलवा लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो किसान भाई वो सोचता है कि मैं तो जहाँ मेरा अकाउंट है मैं दूसरा अकाउंट क्यों खुलवाऊँ, लेकिन अब वो उनको खुलवाना पड़ेगा। हम उनसे बार बार आग्रह करते हैं और खुलवाएंगे उन्हें। वो किसान भाई जो है ना कुछ तो इस बारे में जागरूक ही नहीं है कि भाई केवाईसी कहाँ होती है। हम उनको खूब पेपर के माध्यम से उठाती है या फिर क्या है सर? सबसे पहले जिनकी दो किस्तें रुकी हुई हैं, जिनका किसानों को ये है कि हमारी 31/5/2022 के बाद में कोई भी किस्त नहीं आई है, उनके लिए यही है कि आप अपना पहला जो उनका खाता था वो रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है, पीएफएमएस बैंक के द्वारा। उसके लिए वो अपना चार बैंकों का उनके लिए ऑप्शन है कि या तो आप पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक और एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जिसको डाकखाना कहते हैं, आप उनमें से किसी भी चार बैंकों में से किसी एक में आप अपना अकाउंट ओपन कराइए। क्या परेशानी क्यों है? परेशानी 21/2 हजार की किस रूप में ढाल की, पहले बार पहले मिली हमने, और कुछ चक्कर ना है। कब से नहीं मिल रही थी? किस हाल किस नहीं है जो सब किया में नहीं, 4-5 महीने हो गए इसको सब किया जा रही, 2 महीने पहले लिया मिली, मेरा 20 पैसे मिली सब मेरे नाम। जैसे आप साथ थे सारे बन परेशान है सारे, आप देख रहे हम अपडेट नहीं करा है।